क्या इस बार भारत को बदला लेने का मौका मिल रहा है? वो कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और भारत का होगा। 2019 में भी सेमीफाइनल न्यूजीलैंड भारत का हुआ था, उसमें न्यूजीलैंड ने बाजी मारी थी, महेंद्र सिंह धोनी का वो रन आउट, गुप्टल द्वारा वो रन आउट हुआ था और वहीं से चीज़ें बदल गई थी। वहीं से महेंद्र सिंह धोनी संन्यास ले लिए थे, हालांकि उन्होंने बताया जरूर नहीं था, लेकिन जब वो पवेलियन से जा रहे थे तो लग भी रहा था कि क्या भारत को फिर से बदला लेने का मौका मिलेगा। क्योंकि कयास ये लगाया जा रहा है कि 2023 में जो सेमीफाइनल होने वाला है वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में होगा, और ये हुआ था 2019 में भी, जहां पर भारत को हार का सामना करना पड़ा था। गुप्टल का वो रन आउट, महेंद्र सिंह धोनी मात्र 2 इंच बच गए थे और वो सेमीफाइनल का मैच भारत हार गया था। लेकिन कयास ये लगाई जा रही थी कि काश एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी बदला लेंगे। हालांकि एक मैच तो जीते आईसीसी का हम न्यूजीलैंड से, लेकिन सेमीफाइनल वो अभी तक भूलता नहीं है। 2019 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भारत हार जाती है, शायद भर सदमा भी लगता है बहुत सारे फैंस का, क्योंकि वो महेंद्र सिंह धोनी का लास्ट मैच था। तो क्या लगता है आपको कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी का वो रनआउट का बदला ले पाएंगे और न्यूजीलैंड को बाहर कर पाएंगे? क्योंकि सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड कुछ अलग ही उतरेगी। रचिन रविंद्र फॉर्म में है, डेवॉन कॉनवे भी है, विलियमसन की वापसी हुई है और विलियमसन की वापसी कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड को बहुत ज़्यादा मजबूत करती है, चाहे वो इंजर्ड होने के बाद आए हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है विलियमसन खेल रहे हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि उनकी कप्तानी बहुत अलग है। हालांकि उन्होंने 2015-2019 का वर्ल्ड कप जरूर न्यूजीलैंड ने हारा है, लेकिन अग्रेशन इस बार फिर से वही रखा है कि 2023 में बन सकती है लगातार फाइनल में पहुंचने वाली वर्ल्ड की पहली टीम। शायद भर के ऑस्ट्रेलिया ने 5 खिताब जीते जरूर है, लेकिन इसका फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं भारत को होने वाला है, इसलिए क्योंकि भारत का जो मुकाबला है वो भारत पे ही है। न्यूजीलैंड से एक मैच हरा चुकी है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार वो न्यूजीलैंड से बदला जरूर लेगी। रोहित शर्मा की कप्तानी पे भारत का जलवा आप सभी लोग देख रहे होंगे। विराट कोहली सबसे ज़्यादा रन बनाने की लिस्ट में 3रे नंबर पर आ गए हैं। पहले नंबर पे आपको पता ही है क्विंटन डी कॉक हैं, दूसरे में रचिन रविंद्र आ गए हैं, 3रे में विराट है, 4थे में मैक्सवेल हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले नीदरलैंड के मुकाबले में विराट कोहली सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले की लिस्ट में पहले नंबर पर आ जाएंगे। इसके बाद सेमीफाइनल अगर होगा न्यूजीलैंड से तो बदला लेंगे उस दिन का, बदला लेंगे उस मैच का, महेंद्र सिंह धोनी के रन आउट का। वहां से सेमीफाइनल के बाद भारत बाहर हो गई थी और फाइनल जीतने का एक और चांस भुला दिया था। 2019 में विराट कोहली की कप्तानी में खेल रहे महेंद्र सिंह धोनी का वो लास्ट मैच भी था। तो आपको क्या लगता है कि रोहित एंड टीम क्या न्यूजीलैंड से 2019 का बदला ले पाएगी कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।